यूजीसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा वार किया है। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार को अब तक की सबसे कमजोर सरकार करार दिया है। ये सरकार चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय क्षेत्र की रक्षा करने में असमर्थ है और बीजिंग की धौंस के आगे घुटने टेक रही है। ओवैसी ने पूछा, क्या भारत ने कभी इससे कमजोर PM और इससे ज्यादा डरी हुई सरकार देखी है? नए साल के दिन LOC पर अपने चीनी समकक्षों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय सेना से नाराज है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी द्वारा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भेजे जा रहे संदेश पर सवाल उठाया। ट्वीट्स में हैदराबाद के सांसद ने दावा किया कि केंद्र ने सीमा पर झड़पों के क्षेत्रों में मिठाइयों का आदान प्रदान करके लद्दाख में चीन के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। संयोग से भारतीय सेना ने भी LOC पर पाकिस्तानी समर्थकों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। इस सरकार को अब तक का सबसे कमजोर बताते हुए ओवैसी ने ट्वीट किया, आधिकारिक तौर पर ये स्वीकार करते हुए कि चीनी हमारे क्षेत्र के अंदर डेपसांग, डेमचौक और हॉट स्प्रिंग्स में अच्छे तरह से बैठे हैं। मोदी के न्यू ईयर का नया सामान्य है, लेकिन चीनियों को फेंकने की उनकी 56 इंच की योजना क्या है? भारत की धरती से बाहर ये सरकार चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय क्षेत्र की रक्षा करने में असमर्थ है और बीजिंग की बदमाशी के आगे घुटने टेक रही है। क्या भारत ने कभी एक कमजोर प्रधानमंत्री और इससे ज्यादा डरी हुई सरकार देखी है? ये कहते हुए कि मोदी के अपने मंत्री को दिल्ली में दूतावास में एक चीनी अधिकारी द्वारा धमकाया जा रहा है, ओवैसी ने पूछने की कोशिश की। जैसा कि भारत में तिब्बत के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अन्य निर्वाचित सांसद रहे हैं, क्या हमने इस तरह के बेशर्म हस्तक्षेप और धमकाने पर सरकार से एक शब्द सुना है? चीनी राजदूत को अब तक क्यों नहीं बुलाया गया है? ओवैसी ने आगे ट्वीट किया कि हमारी सरकार चीन का नाम लेने से डर रही है। संसद में मेरे सभी सवालों को नकार दिया गया और अब हमारे सामने लद्दाख में चीन के सामने पूर्ण समर्पण का ये शर्मनाक तमाशा है। हम अपने क्षेत्र में चीनी आक्रमण का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आपको बता दें कि 13वें दौर में भारत और चीन के बीच चीन के अड़ियल रवैये के कारण कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में भारत और चीन LAC गतिरोध को कम करने के लिए दिसंबर के दूसरे भाग में कोर कमांडर स्तरीय वार्ता करने के लिए तैयार थे। विशेष रूप से चीन ने एक नई पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहिए MIM न्यूज एक्सप्रेस।